पिछोर विधानसभा 26 में मतदाताओं ने लोकतंत्र के पर्व को मतदान करके मनाया। युवा मतदाताओं ने भी मतदान करने का जोश दिखाई दिया। कुछ नए मतदाताओं ने भी इस बार मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। युवा मतदाताओं का कहना है कि हमें अपने मत का प्रयोग हमेशा करना चाहिए और कभी किसी लालच और प्रलोभन में मतदान नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई विवाद न हो किसी पोलिंग बूथ पर, इसको लेकर प्रशासन ने कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी और भाजपा प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी पिछोर के रेस्ट हाउस में नजरबंद किया। पुलिस प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी चुनाव में देखने को मिले। अति संवेदनशील केंद्रों पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। प्रशासन ने इसी मामले में बताया कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करना हमारा लक्ष्य है। इस वजह से कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी को पिछोर के रेस्ट हाउस में नजरबंद किया गया है, जिससे विधानसभा चुनाव प्रभावित न हो। संवाददाता सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शिवानी लोधी। शिवानी, लोकतंत्र का त्यौहार विधानसभा चुनाव 26 में आप पहली बार मतदान कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं 18 साल की हो गई हूँ और बहुत खुशी हो रही है, मतलब पहली बार वोट डाल के। हर किसी को मतलब मतदान करना चाहिए, वोट डालना चाहिए, अपना हक है। और मतलब किसी को किसी के फोर्स में आके कभी भी मतदान ना करें, सोच समझ के करें आगे क्या, मतलब भविष्य में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सोच के करें। ऐसा नहीं कि किसी ने पैसे दिया, किसी ने कुछ बोला, किसी की बात सुन के ना करें, अपनी इच्छा से करें। नाम है आपका? कंचन गुप्ता। कंचन, विधानसभा चुनाव में पहली बार आप मतदान कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? जी, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं पहली बार अपने मत का सही तरीके से उपयोग कर रही हूँ इस मतदान में। और इतनी भारी संख्या में मतदाता जागरूक होकर अपना मतदान कर रहे हैं, इसको देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो लोकतंत्र के पर्व को आप मनाने आई हैं? जी बिल्कुल। सर, बताया जा रहा है कि आपके द्वारा ब्राह्मणों का अपमान भरे मन से किया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, वो क्या आपके विचार हैं?